शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। श्रद्धा, तुम्हें इस नाटक में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। मगर बुआ जी, मम्मी जी, अभय ने गौरी की मांग भरी है तो उस नाते तो वो इस घर की बहू हुई ना, और इस घर की बहू का गृह प्रवेश तो करना होगा ना। ये श्रद्धा मुझे ऐसे ही अपना ले, हो ही नहीं सकता। गौरी, अब अपना दाया पैर इस पे मार के घर के अंदर प्रवेश करो। माफ करना गौरी, इस कलश के नीचे गोंद लगाने के लिए। वैसे यही पैर था ना तुम्हारा, जिसमें तुम्हें चोट लगी थी और तुम चल नहीं पा रही थी। तो फिर अब ठीक है, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम इस घर में मेहमान हो और मेहमान की तरह ही रहना, क्योंकि इस घर की बहू मैं हूं। बड़ी आई हमें गिराने वाली, आज के स्वागत का हिसाब मुझे यहां से निकाल के ही लेंगे, वो भी जोर से धक्के मार के। इसे लगा लो, चोट पे आराम मिलेगा। ऐसे गौरी, क्या लगा तुम्हें? मुझे समझ नहीं आएगा इस घर में घुसने के लिए जो तुमने ये नाटक किया। ऐसे इस घर में तो घुस आई हो, मगर तुम्हारी कोशिश अगर मेरे और मेरे पति के बीच में आने की है तो चुपचाप यहां से वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ गौरव, मगर मेरे सुहाग के ऊपर किसी दूसरी औरत की नजर भी पड़े ना, वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम उस गौरी का इंतजाम कहीं और करो, मेरे घर में नहीं। अरे जब मोहल्ले वाले को इस बारे में पता चलेगा तो हमारी कितनी थूथू होगी, ये नहीं सोचा तुमने? अरे घर में पहले से एक बहू के होते हुए तुम दूसरी ले आए। भाभी हम बता रहे, वो लड़की हमारा घर तोड़ेगी। ऋतु गलत क्या बोल रही है, वैसे भी तुम्हारे पापा ने कह दिया है कि उस लड़की को इस घर से जाना ही होगा, और यही हम सबका आखिरी फैसला है। हाँ हाँ भैया, श्रद्धा भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो मैंने कब कहा है सर, पर मैं गौरी को यहाँ पत्नी बना के थोड़ी ना लेकर आया हूँ। खबरदार, जो तुमने सपने में भी किसी को भी श्रद्धा बहू की जगह दी तो। अरे तुम ऐसे हमें काहे घूर रहे हो? पहली बार आपको श्रद्धा की तरफदारी करते देख के अच्छा लग रहा मम्मी। अब सुन रही है ना ऋतु, सास बहू का प्यार किसी को नहीं दिखता है, लेकिन दो बातें क्या सुना दी ये सबको याद है। हाँ दो चार बार तनुजा जी। हाँ ठीक है,
चार बार सुना दी होगी। सिर्फ चार बार? अरे भाई बहू है हमारी, अरे सास बहू में तो इतना चलता ही है। मजाक मस्ती बहुत हो गया अबे, तुम उस गौरी का इंतजाम कहीं और करो। पर पापा वो गौरी अकेले कैसे रहेगी, गुंडे अभी भी उसके पीछे पड़े हैं, बेचारी तो पहले से बहुत भोली है। ये भोला चेहरा बनाकर तुम अभय को धोखा दे सकती हो मगर मुझे नहीं। मेरी नजर तुम पर हमेशा बनी रहेगी गौरी, और इससे पहले तुम्हारी सच्चाई मैं अभय के सामने ले आऊं, चुपचाप इस घर से चली जाओ। लगा ले लेकिन हमें यहां से नहीं निकाल पाएगी। क्या हुआ भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। घर पे सभी लोग मेरे पीछे पड़े हैं गौरी को इस घर से निकालने के लिए। वो इस घर में नहीं रहेगी तो फिर कहां लेकर जाओ उसे, कहां सुरक्षित रहेगी वो। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, मैं गौरी का इंतजाम किसी अच्छे जगह पे करवा दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। तुमसे तो हिम्मत मिलती है मुझे। पति पत्नी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाते, इतना तो जानती होगी ना तुम। माफ कीजिएगा श्रद्धा जी, वो हम तो बस नाश्ते का पूछने आए। नाश्ते का मैं देख लूंगी। तुम्हें पैर में चोट लगी थी तो जाओ ना अपने कमरे में, जाके आराम करो। नहीं अब हम ठीक हैं। अभय के लिए नाश्ता मैं बनाती हूँ तो तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। जाओ जी। कैसे बात करती हो तुम उससे, तुम्हारी ऊंची आवाज से सहम जाती है बेचारी। बेचारी दिखता नहीं है क्या अबे आपको, कोई बेचारी बेचारी नहीं है वो। हम दोनों के बीच में आने के लिए ना नाटक कर रही है ये सब, और मैं ना हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। जलन में गुस्सा, बड़ी प्यारी लगती है वैसे तुम। कोई जलवल नहीं रही हूं मैं। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। भाई जी क्या हुआ गौरी, इतने जोर से क्यों चिल्लाई तुम? हमें डर लगा यहाँ वो गुंडे कोई है। गौरी यहाँ कोई नहीं आ सकता, तुम चिंता मत करो। फिर से इसका नाटक शुरू हो गया। अब तो कोई नहीं है यहाँ पे गौरी, अब तो मेरे पति को छोड़ दो। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।